इलेक्ट्रॉनिक्स में आप सबका स्वागत है। यह है DTH का सेटअप बॉक्स और इसमें प्रॉब्लम यह है, इसमें लाइट नहीं आ रहा है। मैंने इसको खोल के रखा है। ये थोड़ा अलग तरह का सेटअप बॉक्स है, इसमें पावर सप्लाई और कार्ड दोनों एक ही में है। तो ये देखते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम हुआ है और इसको कैसे ठीक करेंगे। मैं इसको खोल लेता हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। मैंने इसको खोल लिया है। अब इसका वोल्टेज पहले चेक कर लेते हैं। इसका एसी सप्लाई सही है। इसका डीसी सप्लाई देख लेते हैं। इसका डीसी सप्लाई भी सही है, वोल्टेज बराबर आ रहे हैं। और इसका जो सेकेंडरी सेक्शन है उसमें भी सप्लाई आ रहा है। अब देख सकते हैं सप्लाई आ रहा है, यानी हमारा पावर सप्लाई सही है। दिक्कत जो है इसके कार्ड में है। अब देख सकते हैं इसका कार्ड जो है डायरेक्ट पीसीबी से कनेक्ट है, इसमें कोई भी वायर नहीं जुड़ा है। प्रॉब्लम ये होता है कि इसमें LNB का वायर इसके कार्ड में लगा होता है और वो वायर थोड़ा हार्ड होता है, जिसके वजह से वायर हिलता है और ये कार्ड भी हिलने लगता है, तो इसका जो ट्रैक है वो PCB से टूट जाता है, तो हमारा कार्ड जो है काम करना बंद कर देता है। तो इसको ठीक करने के लिए हमको इसके जितने भी ट्रैक हैं फिर से सोल्डरिंग करना होगा, तब जाके ये प्रॉब्लम ख़त्म होगा। तो इसको सोल्डरिंग करते हैं और चेक करते हैं कि सही हो रहा है कि नहीं या कार्ड ख़राब है। तो मैं इसको फटाफट सोल्डरिंग करता हूँ। बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है तो बोल देते हैं कि ये रिपेयर नहीं होगा। मैंने इसके सभी ट्रैक सोल्डरिंग कर लिया है। अब इसको सप्लाई देके देखते हैं। देखिए लाइट आ गया है, प्रॉब्लम उसी में था, उसका ट्रैक जो है टूट गया था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।